प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 130 करोड़ भारतीयों के नेता हैं, लेकिन इससे अलग उनकी वर्ल्ड लीडर की भी शख्सियत है। आज पीएम मोदी 70 साल के हो गए हैं। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने थोड़ी देर पहले ही मोदी को हैप्पी बर्थडे विश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉपुलैरिटी ग्राफ को समझना है तो आपको नेशनल इंटरनेशनल हेडलाइंस देखनी होंगी, मीडिया और सोशल मीडिया में झांकना होगा, गूगल ट्रेंड्स का एनालिसिस करना होगा। और हमने इन सभी पैमानों पर मोदी की लोकप्रियता पर एक रिपोर्ट तैयार की है, इसमें आपको दिखेगी कंप्लीट पिक्चर। साल 2020 में नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है या घटी है? कोरोना काल के 180 दिन प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में उछाल आया या गिरावट आई? आज प्रधानमंत्री के बारे में देश का मिजाज क्या है? नरेंद्र मोदी के सामने कोरोना वायरस से लड़ने की चुनौती है, चीन से निपटने का चैलेंज है, घटती जीडीपी को उठाना है और बढ़ती बेरोजगारी को घटाना है। इस नाजुक वक्त में नरेंद्र मोदी से दुश्मनी निभाने के लिए उनके विरोधी पूरा जोर लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग एंटी मोदी, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी अगेंस्ट डेमोक्रेसी, गो बैक मोदी, इंडिया अगेंस्ट मोदी जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कराने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या मोदी की पॉपुलैरिटी में कमी आई है? क्या देश की 130 करोड़ आबादी को मोदी पर भरोसा नहीं रहा? क्या पब्लिक ये सोचती है कि कोरोना काल में मोदी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही? क्या चीन के मुद्दे पर पब्लिक मोदी से नाराज है? और क्या मोदी विरोधियों का मूड ही देश का मूड है? भारत माता की जय। इन तमाम सवालों के जवाब आपको मोदी के विरोधियों से नहीं मिलेंगे। मोदी ने इन 7 महीनों में कब क्या कहा, क्या किया, कैसे किया और आने वाले कुछ महीनों में मोदी क्या करने वाले हैं, सबकी डिटेल यहाँ है। इसके लिए आपको जनता की नब्ज पकड़नी होगी और जनता की नब्ज टटोलने का सबसे बेहतर तरीका है मोदी के पिछले 7 महीनों की टाइमलाइन के हिसाब से छापी गई अलग अलग हेडलाइंस। इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा, तमाम मुश्किलों के बावजूद ऐसा क्या है कि मोदी अब भी सबसे पॉपुलर लीडर हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, जिस वक्त भारत महामारी को झेल रहा है उस वक्त मोदी की पॉपुलैरिटी में कई गुना इजाफा हुआ। द न्यू लीम ने हेडलाइन दी, भूख नौकरी चले जाने और लॉकडाउन के बावजूद ग्रामीण भारत में प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आई। edxlive.com ने लिखा, भारत की राजनीति का बादशाह, ऐसा क्या है कि बीजेपी सरकार के फ्लॉप होने के बावजूद भारत के युवाओं में मोदी की पॉपुलैरिटी पर कोई असर नहीं पड़ रहा। बिजनेस स्टैंडर्ड ने हेडलाइन दी, भारत पर कई सारी समस्याएं टूटने वाली हैं लेकिन इसके बावजूद मोदी पॉपुलर हैं। ब्लूमबर्ग ने छापा, ऐसा क्या है कि मोदी सबसे पॉपुलर जनवादी नेता है? ऐसा नहीं है कि मोदी की पॉपुलैरिटी सिर्फ भारत तक सीमित है, मोदी को चाहने वाले तो चीन में भी मौजूद हैं। फैन फॉलोइंग भी ऐसी वैसी नहीं है, आज हम आपको इसकी पूरी डिटेल भी देंगे। मोदी के पॉपुलैरिटी ग्राफ से आपको असली पिक्चर क्लियर होगी। विरोधियों का काम तो आरोप लगाना है लेकिन वास्तविकता क्या है ये समझने के लिए हमने हर हेडलाइन के भीतर छपी खबर का विश्लेषण किया, ताकि आप भी समझ सके कि मोदी पॉपुलर है तो क्यों है। बच्चे बूढ़े और जवान सबसे ये मिलते हैं। जी हाँ, ये पीएम है ही कुछ ऐसे, सबके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आइडियाज हो या हो सुझाव, ध्यान से ये सुनते हैं। हाँ यार, छोटी छोटी बातें भी इनको बड़ी इंस्पायर करती हैं। सबके बस का काम न था, पीएम से मिलना आसान न था, पर अब कोई लाइन अवे पीएम से, इजी है चैट। 23 मई 2019 से 30 मई 2020 तक देश में जब भी कोई बड़ा इवेंट हुआ या बड़े फैसले लिए गए तो गूगल सर्च पर एक नाम जिसे सबसे ज्यादा सर्च किया गया वो किसी और का नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का ही था। इस दौरान मोदी लगातार ट्रेंड हुए। कोरोना काल में भी मोदी की लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा, ये समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। मार्च 2020,
वो दिन जब मोदी की एक अपील पर पूरे देश में कर्फ्यू लग गया। देश के लोगों ने ना सिर्फ मोदी की बात मानी बल्कि थाली और घंटी बजाकर कोरोना से लड़ने वालों की हौसला अफजाई की। मार्च 2020 को सोशल मीडिया पर सिर्फ जनता कर्फ्यू की बात हुई, सारा श्रेय मोदी के खाते में गया, जो उस दिन के सर्च ट्रेंड में 100% नरेंद्र मोदी कीवर्ड के रूप में दिखाई दिया। दिलचस्प बात यह रही कि इस दिन भारत से ज्यादा मोदी की सर्च इटली, जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। कोई रोड पर ना निकले। 24 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने रात के 12 बजे से 21 दिन के पहले लॉकडाउन की घोषणा की थी। लोगों ने इस बोल्ड फैसले का श्रेय मोदी को देते हुए लॉकडाउन को सही कदम करार दिया। इसीलिए 24 मार्च की शाम को सर्च में मोदी ने सबको पीछे छोड़ दिया। कनाडा, यूएई, सिंगापुर और इटली के लोगों ने भी मोदी को लॉकडाउन के बहाने खूब सर्च किया। 20 लाख करोड़ रुपए का है। 12 मई 2020 को मोदी 54 दिन में पांचवीं बार देश के सामने आए, आत्मनिर्भर भारत की बात कही, 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। इसका असर इंटरनेट पर दिखाई दिया और 12 मई को मोदी सर्च में सबसे ऊपर बने रहे। भारत के अलावा कतर, यूएई, कुवैत, सिंगापुर के लोगों ने पैकेज से ज्यादा मोदी को सर्च किया। भारत में कोरोना के मामले 50 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। ये किसी के लिए भी चिंता की बात है, मगर ये नंबर इससे भी ज्यादा हो सकते थे, करोड़ों में हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मोदी ने समय रहते ठोस कदम उठाए। शायद इसीलिए दुनिया ने मोदी के बारे में लिखा कि पूरा हिंदुस्तान प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा करता है। इसके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ वो भी देखिए। अंतर्राष्ट्रीय अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, भारतीयों का मोदी के प्रति विश्वास कायम है और इसके लिए मैसियनिक मोदी वर्ड यूज किया गया। हिंदी में मैसियनिक का मतलब हुआ मसीहाई शख्स, यानी जिस कोरोना के खिलाफ शुरू हुई जंग में मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी, उसी कोरोना के सामने दुनिया के सुपर पावर देशों ने सरेंडर कर दिया। ट्रंप जैसे बड़े बड़े लीडर्स बगलें झांकते रह गए और इसका असर क्या हुआ ये देखिए। एक अमेरिकी रिसर्च एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने कोरोना के मुद्दे पर अलग अलग देशों के लोगों की राय, जिसमें ये मिला कि 30 जून 2020 तक भारत की 74% आबादी ने मोदी की लीडरशिप को हरी झंडी दिखा दी, जो दुनिया के बाकी लीडर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा था। इसी सर्वे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की अप्रूवल रेटिंग 40% थी, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का साथ सिर्फ 39% लोगों ने दिया। एक और एजेंसी गैलप ने कोरोना संकट से निपटने में पीएम मोदी के नेतृत्व को दुनिया में नंबर वन माना। ब्रिटेन की ऑनलाइन डिजिटल और एनालिटिक्स फर्म यूगोव के सर्वे में भी कोरोना पर मोदी सरकार के कामकाज को अव्वल बताया गया। गैलप के सर्वे में 91% भारतीयों ने मोदी सरकार के कामकाज को बेहतरीन माना। 79% लोगों की राय ये थी कि लॉकडाउन बढ़ाना सही फैसला था। 48% अमेरिकी ट्रंप सरकार के काम से नाराज थे। जापान के 69% लोग अपनी सरकार के काम से नाखुश थे। पिछले 180 दिनों में नरेंद्र मोदी पर भारत समेत पूरी दुनिया ने नजर रखी है। प्रधानमंत्री कई बार इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइन बने। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मोदी की बात ट्रंप और जिनपिंग से ऊपर रखी गई। दुनिया की अलग अलग एजेंसीज ने अपने पोल में नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा नंबर दिए, यानी साल 2020 एक ऐसा साल जिसने वर्ल्ड के हर बड़े लीडर का इम्तिहान लिया है, उसमें मोदी अव्वल नंबरों से पास हुए। देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोगों की राय से भी मोदी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ आसानी से समझा जा सकता है। मई 2020 में हुए एक सर्वे के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की 95% आबादी ने मोदी को फुल मार्क्स दिए। यूपी की 64% और बिहार की 67% आबादी मोदी के साथ है। हरियाणा के 64% लोगों ने मोदी का समर्थन किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद सर्वे में 36% के 89% लोगों ने मोदी को एंडोर्स किया। ओडिशा के 81% से ज्यादा लोगों ने मोदी को अप्रूव किया।
आंध्र प्रदेश में 71%, झारखंड में 70% से ज्यादा, जबकि गुजरात के 74% लोगों ने प्रधानमंत्री को एंडोर्स किया। इन आंकड़ों को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि मोदी की अप्रूवल रेटिंग में कमी आई है या उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ डाउन हुआ है। बात सिर्फ कोरोना पर देश का समर्थन हासिल करने की नहीं है, गलवान में हुई घटना के बाद मोदी ने जो तेवर दिखाए उसे भी पूरे देश का समर्थन मिला। दिलचस्प बात यह है कि भारत और चीन में जारी तनाव के बीच करीब 51% चीनी लोगों ने ग्लोबल टाइम्स के सर्वे में कहा कि वो भारत की मोदी सरकार से खुश हैं, जबकि इसके उलट चीन के लोग अपने ही नेताओं के एक्शन से खुश नहीं थे। वैसे अपने ही देश के लोगों का मोदी प्रेम देखकर चीन चिंतित हो गया और बाद में अपने ग्राफिक को एडिट करके नए ग्राफिक में इस बात को ही डिलीट कर दिया कि 51% चीनियों ने मोदी का समर्थन किया था। बात बहुत साफ है, मोदी के पिछले 180 दिन भले ही चुनौतियों से भरे रहे हों, लेकिन मोदी के चाहने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। कोरोना वायरस और लद्दाख में चाइनीज गुस्ताखी ने उनके सामने कई चुनौतियां पेश की। बावजूद इसके इंटरनेट से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक मोदी की टाइमलाइन काफी बिजी रही, बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुड़े। चीन और कोरोना वायरस पर मोदी का साथ देने के लिए करोड़ों लोगों ने फॉलो का बटन दबाया और मोदी का पॉपुलैरिटी ग्राफ हर बीते दिन के साथ ऊपर चढ़ता गया। यह सिलसिला अभी भी कायम है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखिए बटमालू में 3 आतंकवादी मारे गए हैं, खबर का पूरा अपडेट एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखिए ओ माय गॉड।